बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और ग्रुप स्टेज सनसनी खेज और कई यादगार मैचेस के साथ अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। प्ले ऑफ मरहले के मैचेस का बाकायदा आगाज कल से नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में होगा, जिसमें चारों क्वालिफायर्स टीम्स जो हैं वो फाइनल में रसाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। और कल के अगर हम पहले मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी की टीम्स मदे मुकाबले आएंगी। अब देखते हैं कल कौन सी टीम जो है वो फाइनल का पक्का टिकट कटा पाएगी। एंड आई एम सपोर्टिंग पेशावर जलमी। मैं पहले बता दूं कि थ्रू आउट पीएसएल में मुल्तान के साथ रही, स्ट्रांग टीम भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब पेशावर को सपोर्ट कर लेना। मैंने इसी वजह से शर्ट चेंज कर ली है। अच्छा, ये हमने सुना था कि ये दिल और दिमाग वाली बात, और बहुत ज्यादा मुझे इस चीज के लिए पूरे पीएसएल में क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन क्या दिल और दिमाग दोनों से आप फिर पेशावर के साथ हैं? मैं तो पाकिस्तान के साथ हूं। फिर भी इतना सियासी बयान है ना। देखें, जबरदस्त किस्म के मुकाबले हमें देखने को मिले, और अभी भी बात करें इस हवाले से कि फर्दर जो मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और प्ले ऑफ के हवाले से अगर बात करें तो ऑब्वियसली कल से इसका आगाज होगा। दोनों साइड बड़ी तगड़ी हैं, और जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी, जो टीम हारेगी हमने पहले भी बताया वो एलिमिनेटर टू में जाएगी, और जो विनिंग टीम होगी सेकंड प्लेऑफ की उसके साथ फिर वो खेलेगी। तो ये ऑब्वियसली देखते हैं कि कौन सी टीम है। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया थ्रू आउट पीएसएल, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, और ये चौथा सीजन है प्रॉब्ली कि जिसमें वो हर सीजन में पक्का टिकट जो है ना, वो पता नहीं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है, आई माइट बी रॉन्ग, कि वो मुझे लग रहा है पेशावर जलमी का ही है। बाबर ले जाएंगे इस दफा ये टाइटल जो है ना, इंशाल्लाह टाइटल या मैच, आपने कह दिया 90% चांस हो गए। लेकिन इतनी भाई अभी एक दिन पूरा पड़ा है, कल हमने शो करना है, कल ट्रांसमिशन में कितनी दफा भी चेंज होना है। अच्छा, ये आपको पता है भाई, आप लॉक कर लें, लॉक कर दे, लॉक कर दे इस बार। लेकिन ये सब जानते हैं जी, हिंदी भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, आलिया भी ज्वाइन कर चुके हैं, सहार भाई भी ज्वाइन कर, आप दोनों तीनों का बहुत शुक्रिया। और जी, और हमारे बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ठीक हैं? भाई बहुत अच्छे। हिनू, बहुत अरसे बाद आपने बुलाया। सर आपकी और मेरी आई थिंक इतनी फ्रैंकनेस नहीं है कि आप मुझे हिनू बुलाएं। आप मेरी बेटियों के जैसे, बल्कि मेरी बेटियों की भी बेटियों के जैसे। डैडी तो चला लाइक इट। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा आप ठीक है? मैं अट्टा कट्टा फेट फाट, अभी उफ पसीना भी आ गया, जिम से आया हूँ डायरेक्ट। अरे वाह, जिम में क्या करते हैं आप? जिम में बोतलें देता हूँ। सर अरे ये इंजी भाई, क्या मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके बहुत सारे क्रिकेट देखे हैं, बहुत सारे क्रिकेट देखे, मैच जो मैच आप क्रिकेट देखे, बहुत मजा हूँ आपका, बहुत शुक्रिया आज आपके साथ स्टेज को शेयर किया जा रहा है। ये लाश कौन है? बहुत अच्छा, एक बात, जब जिंदा हो जावेद बंदे को यहाँ बुलाते हैं, लाश को नहीं बुलाया करो। ओहो, वो कोशिश बड़ी एक्ट्रेस, कोशिश तो हमने एक जैसे बुलाने की है। लेकिन ऑब्सिली सी बात है कि एक लाश को अपने इर्द गिर्द सब लाश ही नजर आ रहा है। कैसी है मीरा जी, हाउ आर यू? आई बैक टू स्टेट दैट आई एम फीलिंग वेरी वेल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल। लेकिन मैं आप सबको कॉन्स्टिपेशन देना चाहूंगी कि आप लोग बहुत अच्छा शो, मुझे भी तो दे, हमने तीसरा सच किए। फेल टू अंडरस्टैंड, अब क्या कहना चाह रही हूं, मुबारकबाद देना चाह रही हूं, कांग्रेचुलेशंस के, ओ गॉड, वो एक कॉन्स्टिपेशन, आप सब बहुत अच्छे, सारी गर्ल्स हैं, सारे बॉयज हैं, ये जिस टाइम इन्होंने कहा वो उनको है। नहीं, मुझे मुबारकबाद मुझे भी है, शुक्र है अल्लाह का, मुझे मुबारकबाद है। मैं तो कहता हूँ सबको मुबारकबाद हो। मीरा जी, वैसे आपको बात बताएं, आप ना उर्दू में बोला करें, इतनी खूबसूरत हमारी जबान है, और आप तुम जैसी लड़कियां चाहती हैं कि हम इंग्लिश बोल के आगे ना आए। ये जो आप बोल रही हैं ना, उससे आपने पीछे ही जाने। तुम जैसी लड़कियां मशहूर होती हैं कि डिनर सेट के चमचे यही चोरी करती है।
अच्छा हमारी फिल्म स्टार मीरा हमेशा से हमारी फील्ड में ऐसी फजूल लड़कियों की भरमार रही है। इरफान मीरा जी कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पीला रंग क्यों पहना है? जलमी के लिए। पेशावर जलमी के लिए। हम पूछना चाहेंगे कि आप तो इनको बचपन से ही देख रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे बचपन से। हम तो उनके बचपन से, इनके बचपन से, इनके बचपन से। हम तो छोटे छोटे होते थे। अभी आप तो बदल गई हैं, इतनी बड़ी हो गई हैं आप। ओह माय गॉड, बूढ़ी हो गई हैं बल्कि। अब तो खेड़ा छोड़ दे, बंद करो प्लीज, बिहेव योरसेल्फ। आप लाइव शो में देखे थोड़ा। बेशक लाइव शो में हूं, मैं बूढ़ी नहीं हुई। नहीं नहीं, इतना फिट रखा हुआ है इन्होंने, मेरा यही सवाल था इनसे। माशाल्लाह इतना फिट रखा हुआ है आपने। बैठी हुई हो दो दो घंटे पहले गाड़ियों से उतरी थी और मेकअप करवा रही थी, मैं 5 मिनट आके यहाँ पे बैठ गई। आप तो नेचुरल ब्यूटी है, हमें मीरा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपने इतना फिट रखा हुआ है, क्या राज है? जिम ज्वाइन किया हुआ है? मैं अपनी खुराक का जो तो मेरा नहीं, आपसे बहुत बड़े हैं तुम तो नाना के। आप नहीं, बात करने की तमीज होती है। फिर कहते हैं मीरा बदतमीज है, मीरा की मेंटेलिटी खराब है। अच्छा प्लीज, आपकी आपसे बात। टोनी मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं नहीं शो कर रही। टोनी जी, अभी टोनी, एक मिनट टोनी, खबरदार इधर आए। मीरा जी अपने पेट को साथ लेकर आई हुई हैं? पेट नहीं, मेरा मैनेजर है। तमीज से बात करो। आज तो ये शो तुम कर रही हो, अगले साल मैं वहां बैठी हूँ। जी जी जी। मीरा जी, मीरा जी मोस्ट वेलकम। आपसे एक बात कहूँ, एक तो आप आराम से बोले, मेरे दिल को कुछ होता है। दूसरा क्या आपको पता है, जब मैं घर से निकलता हूँ काला टीका कान के पीछे लगाता हूँ ताकि दूसरों को नजर ना लगे। क्रिकेटर ही हो ना आप। कायम साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जैसे भी ये नजर बट्टू है। जरूर जरूर। कायम जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कायम जी कायम तो है ही नहीं वो। फिलहाल दाइम जा रहे हैं। अभी आपने मेरी फुर्तियां नहीं देखी, मैं यकीन जाने बहुत तेज हूँ। ये मकड़ी जाल जो बनाती है उसको मैं सिखाता हूँ, फर 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 फर्म फर्म बना लेती है। कायमी शाह साहब ये बताएं कि आपके सियासत के अलावा और क्या प्लान्स हैं? हाँ ये सवाल पूछा ना, देखो हिनू बात ये है। हिनू तुम क्यों हंस रहे हो, मस्त नहीं करते हो? बात ये है कि मैंने सियासत में जी भाई झंडे तो बहुत गाड़े हैं, लेकिन अब मेरा प्लान है फिल्म बनाने का। वैसे मैं अपने प्लान जो है वो रिवील कर देता हूँ, कौन से कामयाब होने। मैं फिल्म बना रहा हूँ जी, ये पर्दा खुलता है जी और सिनेमा में आग लग जाती है, भगदड़ मच जाती है, हर तरफ चीखो पुकार और मैं कोने पे बैठा हुआ रिलैक्स होकर रहे होते हैं कोने पे बैठे। मैं हाथ सेक रहा होता हूँ, इतने में मेरा प्रोड्यूसर आता है, बोलता है प्लाजे का मालिक कह रहा है नुकसान आप भरेंगे। फिल्म में आपने मीरा जी को तो कास्ट ही कर लिया? नहीं, ये इनकी दूसरी मूवी, मैंने दूसरे एपिसोड में, हम रात वाले शो में मैं बताऊंगा। स्क्रिप्ट इतना ही है, कल वाले शो में आप बताएंगे। आ जाएं थोड़ी सी, हम पहले क्रिकेट पे भी बात करते हैं। जरूर जरूर जरूर। एनजी भाई, अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस हमने देखी और जो हमें मोमेंटम नजर आ रहा है, ऑब्वियसली हमने कल भी थोड़ी डिस्कशन की, आपके ख्याल में कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है आपको इस पीएसएल में? राधा देन ऑब्वियसली पॉइंट टेबल पे तो हमें मुल्तान सुल्तान टॉप पे नजर आ रही है, बट मोमेंटम वाइज आपको क्या लगता है जो पीक कर रही है टीम और जो आपको लगता है कि ऐसी टीम है कि जो टाइटल जीत सकती है? देखिए सारी टीमें ना, अगर जिस तरह पेशावर की बात की जाए, जलमी की बात की जाए, तो जलमी शुरू में अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन फिर इन्होंने पीक पकड़ी। कोयटा ने शुरू में पीक पकड़ी, बाद में अब हालांकि 4 टीमों में आ गई है लेकिन उसको लग रहा है कि जी जिस तरह पीक उनकी ख़त्म हो गई है। ये मुल्तान की ऐसी टीम है कि जिसने शुरू से पीक पकड़ी थी, आखिरी मैच तक लगा नहीं कि इन्होंने छोड़ी है पीक को। बिल्कुल सही, क्योंकि जी इनकी परफॉर्मेंस है ना मुसलसल वैसी है जैसे पहले मैच में थी। और ये वाहिद टीम ऐसी दिखी है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि जी इन्होंने काफ़ी सारे अपने प्लेयर्स भी चेंज किए लेकिन इनके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट वही, इनके क्रिकेट वही खेलते आए हैं। सो ये टीम है ना वैसे बहुत मजबूत लग रही है, क्योंकि जी पेपर्स में ना और परफॉर्मेंस में, पेपर में नहीं कहना चाहिए परफॉर्मेंस से भी कहना चाहिए, कि जिस तरह की क्रिकेट शुरू से पहले मैच से लेके 10 मैचों तक मुल्तान ने खेली है ना, वाली क्रिकेट अभी तक किसी ने भी नहीं खेली जिस तरीके से ये खेल लिया। लेकिन हाँ जलमी की टीम इसलिए कि जलमी में कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स ऐसे हैं कि जी अगर वो खुद खड़े हो जाए, जिस तरह बाबर है या साइम है, ये इस तरह के प्लेयर हैं, नीचे से ये
पावल है, ये वेस्ट इंडीज के T20 के भी कप्तान है, क्योंकि ये इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं कि जी पूरा मैच चेंज कर देते हैं। इनके पास इंडिविजुअल प्लेयर्स है ना बड़े जबरदस्त हैं, और जो हम जलमी की शुरू में बात कर रहे थे हम सारे कि जो उनका वीक पॉइंट दिख रहा था, क्योंकि वो स्पिनर्स हमें दिख रहे थे कि वो नहीं है, अब ये मेहरान मुमताज आ गया इनके पास, और ये दूसरा आरिफ को भी खिला सकते हैं, ये ऑप्शन है इनके पास, और इनका ऑलराउंडर आमिर जमाल से इन्हें बहुत फर्क पड़ा, हालांकि अगर वो थोड़े से अपने एक्शन कम करें तो मेरे ख्याल में और भी इफेक्टिव होंगे, लेकिन ये कि जी आमिर जमाल से इनको फर्क पड़ा कि उसने बैटिंग में भी बहुत अच्छा जी। तो दोनों टीमें बहुत बैलेंस है, अगर किसी को भी कहा जाए ना कि जी ये अब अपनी फीलिंग है किसी के साथ हो कि जी मेरी फीलिंग पिशावर के साथ है या मुल्तान के साथ है, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा है, तो इसलिए दोनों टीमें टॉप पे हैं 13 और 14 पॉइंट्स के साथ, तो ये मैच बड़ा अच्छा देखने वाला होगा। और देखिए अब डे पे डिपेंड करता है कि जी कौन अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि कल बहुत प्रेशर वाला मैच है, सो क्योंकि ये आप सीधा फाइनल में चले जाएंगे, तो कल के मैच से पता चलेगा कि जी, और मुल्तान का सिर्फ एक ड्रॉबैक सिर्फ ये है दोनों टीमों का, क्योंकि जलमी जिस तरह 9 दफा आई हुई है और फाइनल में नहीं पहुंचती, सेमीफाइनल में हारी है और कुछ फाइनल भी एक आधा हारी है, और मुल्तान का ये है कि जी ये आगे तो आ जाते हैं लेकिन टाइटल जीतना इनके लिए थोड़ा सा जरा मुश्किल, दोनों एक एक दफा टाइटल जीते हुए। और हम आलिया आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी इंटरनेशनल प्लेयर है, नॉकआउट स्टेजेस का प्रेशर ही कुछ इंटायरली डिफरेंट होता है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस हमने देखी वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड की बात कर लें, सब इंटायरली डिफरेंट, इंडिया भी, इवन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड इंटरनेशनल लेवल पे है जो फाइनल बड़ा अच्छा खेलती है, और इसी तरह पीएसएल की भी बात करें तो कई टीमों के जसिंजी भाई भी कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं फाइनल में आके कहीं ना कहीं या प्ले ऑफ में आके चौक कर जाते हैं, आपके ख्याल में कौन सी टीम ऐसी लगती है जिसका बैलेंस बेहतर है? मुझे लगता है कि दोनों टीमें ही तगड़ी हैं, वैसे कल मैच जो है वो देखने वाला होगा, और वैसे मुझे मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग भी देखें तो 7 नंबर तक उनके पास बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी जो है उनके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जैसे डेविड विली बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके उसामा मीर जो हैं वो टॉप बॉलर्स में जा रहे हैं, मोहम्मद अली ने पीछे सारी परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हैं, तो इनका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है मिडल ऑर्डर्स के बैटर्स, इनके पास इफ्तिखार हैं, जॉर्डन हैं, चार्ल्स हैं, तो ये जो है मिडल ऑर्डर के बैटर्स भी जो है इनके पास स्ट्रॉन्ग हैं, बॉलिंग भी इनकी कवर कर रही है और बैटिंग भी ऊपर से इनकी कवर कर रही है, तो मुझे जो ऑन पेपर जो है वो मुल्तान सुल्तान स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट बात वही है सर वाली कि जिस दिन जो टीम्स के प्लेयर्स हैं वो अगर वो तगड़ा खेलेंगे, उनके नर्व्स पे कंट्रोल होगा, वो ही प्लेयर्स जो हैं वो मतलब कि वही टीम जो है वो कल जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगी, जिसकी जो है वो अपनी नर्व्स पे जो है वो ज़्यादा कंट्रोल होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज़ारा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कल के अगर हम मैच की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, What do you think impact players कौन है दोनों टीम्स में से? देखिए डेफिनेटली उस्मान खान तो है ही है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, उसने आते साथ ही उसकी इंक्लूजन से बहुत ही एक फ्रेश इंजेक्शन मिला है मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, जो स्ट्राइक रेट है या मिडिल ओवर्स में जिस तरह वो हिटिंग करते हैं, आप देखेंगे रीज़ा हेंड्रिक्स और डेविड मिलान जैसे इंटरनेशनल रिकग्नाइज प्लेयर्स को उनको टीम से उनकी जगह नहीं बन रही टीम में। दूसरा जालमी की तरफ से देखें तो बाबर डेफिनेटली, फिर उसके बाद आमिर जमाल, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करता है और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करता है, और वैसे अगर मेरे ख्याल में हम देखें दोनों टीम्स का मोमेंटम कैसा है, तो पिछले 3 मैचेस में आपने देखा कि मुल्तान पिछले 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि पेशावर जलमी 3 के 3 मैचेस कंसेक्यूटिवली जीता है। ऑन पेपर तो शायद मुल्तान की ज़्यादा बैलेंस साइट है, उनके पास बैट्समैन भी बेहतर हैं, बॉलर्स भी बेहतर हैं, लेकिन जो मोमेंटम होता है या रिदम होता है, जिस तरह हम टूर्नामेंट में हमेशा बात करते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम, आई थिंक पेशावर जालमी सीम्स टू बी पीकिंग एट द राइट टाइम एंड दिस मोमेंटम विल कैरी देम थ्रू अगेंस्ट मुल्तान। ऑलराइट। और जी हमने शाम में जब टॉप 5 बैटर्स की बात की, अभी हम आपको बताएंगे पीएसएल में टॉप 5 बॉलर्स के बारे में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जी उसामा मीर, ही प्लेड 10 मैचेस एंड टुक 21 विकेट्स। उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद अली, ही प्लेड 10 मैचेस And he took 17 wickets. उसके बाद आते हैं अब्रार अहमद, he also played 10 matches and took 15 wickets. उसके बाद आते हैं शाहीन आफरीदी, उन्होंने भी 10 matches खेले हैं and took 14 wickets. And last but not the least, हसन अली, he played 10 matches and took 14 wickets again. बिल्कुल, इसमें भी डोमिनस देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान की एंजी भाई, दोनों पहले टॉप के बॉलर्स भी उनकी हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, असल में ना बैलेंस की बात है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जी मुल्तान के जो उनसे प्लेयर्स हैं, ठीक है जी, दोनों में बैलेंस है, ठीक है जी, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, ठीक है जी, परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं लड़के इनके, वो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जी अब है ना, जो पिछली क्रिकेट खेली थी ना वो ख़त्म हो गई जी, अब ये बिल्कुल नया दिन है। जिस तरह बैट्समैन है ना, पिछली इनिंग्स में आपने 200 भी कर रखा हो ना, जब अगली इनिंग्स आती है ना तो स्कोर बोर्ड पे जीरो ही लिखा होता है। आज अब जीरो है जी। मुल्तान का भी और पिशावर का भी स्कोर जीरो है, बिल्कुल ठीक बात। तो अब है ना डिपेंड करते हैं कि जी अब आप प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। ये बिल्कुल आप है ना दूसरी एक और पॉकेट में दाखिल हो गए हैं, ठीक है जी, अब है ना आपके पास गुंजाइश नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है जी, ठीक है जी, जिस टाइम आपके पास अभी होना है कि यार इस मैच में ना किए तो अगले मैच में कर लेंगे, इस मैच में नहीं है तो चलो फिर पकड़ लेंगे, अब ये वाली गुंजाइश नहीं है इनके पास कि बहुत प्रेशर आ जाएगा अगर कल कोई टीम मैच हारती है ना, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा क्योंकि जी। तो अब है ना ये डिपेंड करता है कि जी अब ये प्रेशर किस तरह लेते हैं। दोनों के पास प्रेशर हैंडल करने के ना बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। जिस तरह अगर पेशावर की बात की जाए ना, तो बाबर खुद इंटरनेशनल कप्तान रहे कि जी इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और ये पावल है, ये भी कप्तान रहा है। तो ये इस तरह के एक से दो अगर कप्तान रहे हो ना, तो उनके ड्रेसिंग रूम में ना थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस होता है, वो हैंडल करते हैं कि जी किस तरह प्रेशर को आपने एब्जॉर्व करना है। और जो इनको पेशावर जलबी को जो सारों से ज्यादा एज है ना, वो इस चीज का है कि T20 का कि जो इनका कोच है ना सेमी, वो दो दफा का वर्ल्ड चैंपियन है अपनी कप्तानी में, उसने दो दफा चैंपियन हुआ है। जलमी को भी टाइटल इन्होंने जिताया, जलमी को भी टाइटल जो एक दफा जीता हुआ है वो भी इसी की कैप्टनसी में जीता हुआ है। तो ये एक इनके ड्रेसिंग रूम में एज है कि प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, बड़े मैच किस तरह खेलने हैं, ये एक एज जलमी को है। और अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ रिजवान है जो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि जिसने पाकिस्तान से बहुत लंबे अरसे से खेल रहे, लेकिन एज सच वैसे तो इन सारों से ज्यादा एक्सपीरियंस इफ्तिखार का है। तो लेकिन इनके पास है ना ये वाली चीज नहीं है, लेकिन इनका जो उनका कोचिंग स्टाफ है ना वो बहुत प्रोफेशनल है। अगर हम जिस लीग की ये प्लेयर्स बैठ के बात करते हैं ना लीग की, क्योंकि जी सबसे ऑर्गेनाइज ये मुल्तान वाले करते हैं कि जी पूरा होमवर्क करके आ रहे होते हैं, पूरी इनकी मीटिंग होती है, ये एक एक प्लेयर पे पूरा काम करके आते हैं। तो इनका याला पार्ट है ना बहुत स्ट्रांग है मुल्तान, ये हर एक प्लेयर्स पे, इवन के ये इनको ये आइडिया तक लगाते हैं कि अगर इरफान ने बैटिंग करने आना है तो इस पे कौन सा बॉलर लगाना चाहिए और कौन सी फील्डिंग खड़ी करें हम, बिल्कुल ठीक है ना, किस विकेट पे, इनका सारा ये इस तरह का सिस्टम के साथ है ना ये काम करते हैं। तो दोनों की डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ एक्सपीरियंस बहुत है, यहाँ ये अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। तो बड़ा अच्छा मैच देखने को मेरे ख्याल में होना चाहिए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और लिस्ट में बाकी भी कुछ नाम है, मेरा ख्याल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आके उनके बारे से भी मजीद बात करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. Meera ji, mera aapse ek sawal hai. Pucho. Ye TV adhakar aur filmi adhakar mein kya fark hai? OMG, halke ambi. Hey, sorry? Tum lande ki mano billi lagti ho. Chale, mano billi pe main khush ho gayi. Kapde to sune the, ye bande kaise ya billiyan kaise lande ki aa gayi? वो बनने की नाकाम कोशिश करती है। नहीं, एक मिनट मीरा जी, वो लड्डे की मानो मैं क्या लगता हूँ, कैमरे पे बोल नहीं सकती मैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहना चाहता हूँ। जी वही वही जी, इतना ही फर्क है कि देखो आज टीवी अदाकार फिल्मी अदाकार का इंटरव्यू कर रही मैं टीवी एक्ट्रेस नहीं हूँ। और मुझे पता चला कि तुम्हारी फरमाइश पे मुझे बुलाया गया कि मीरा जी का इंटरव्यू करना। हाँ जी जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। और मैंने वैसे आप क्लैरिफाई थोड़ा सा कर दूं, मैं टीवी प्रेजेंटर हूँ, टीवी एंकर कह ले, होस्ट कह ले, तुमसे बड़ा अदाकार मैंने कोई नहीं देखा। जी सही बात है, तभी आपकी हर बात पे हंसना पड़ता है। अच्छा, आप सर ये बताइए, वैसे कितने पुराने हैं आप? सोते आप घर में, उठ के बैठिए। नहीं, मैं बैठा ही हूँ। अच्छा साहब, ये मुझे एक बात बताएं, आपका पहला जलसा कोई याद आता है कि कब हुआ था? मुझे धुंधला धुंधला याद है जी,
पहला जलसा मेरा अमेरिका में था। अच्छा। और वहाँ पे आज भी इंद्रजीत भाई आप अमेरिका में मेरे जलसे की निशानी देख सकते हैं। वहाँ पे दरिया के किनारे वो लड़की औरत नहीं खड़ी मशाल लेके, वो औरत मेरे ही जलसे में नारे लगा लगा के पत्थर की हुई थी। वो मुझे याद है कि एक पुराना इन्होंने तो वैसे डायनासोर भी देखे हुए हैं, इतने पुराने डायनासोर। पहला जो डायनासोर था उसको गुड़ती मैंने दी थी। शासा वो पत्थर की नहीं है, वो तांबे की है जिसकी आप बात करें। तांबे की जी। अगर हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की आप बात करें ना, हमारे यहाँ होती तो अब तक चोरी हो गई होती। नहीं नहीं वैसे बहुत पुराना, बहुत मैंने दौर देखे हैं, मैंने हर मौसम देखा है, 12 के 12 मौसम मुझे पता है। तो डायनासोर्स कैसी होती थी? डायनासोर्स सुर्खी लगाई होती थी, पिंक कलर की, लंबे बाल होते थे और हाथ अच्छे थे। भाई डायनासोर डायनासोर होता है। नहीं आपने तो देखा है, खौफ आता था उनसे? नहीं मेरे तो दोस्त थे। आता था इन्हें देखा। आप यकीन करें हर हफ्ते में एक दफा तो वो मेरी दावत जरूर करते थे। अच्छा कितने पुराने हैं? मैं आप ये हिसाब लगा लें कि ये जो रिक्शा जब इजाद हुआ है जी, उसमें जो पहली सवारी बैठी है वो मैं हूँ, ये एहसास मुझे मिला है। अच्छा अच्छा इंजी भाई एक बात बताएं, अगर हम क्रिकेट के बजाय कुछ और खेल हम खेलते तो हम कितना आगे जा सकते थे? आप और मैं कितना आगे जा सकते हैं? आप और मैं, जैसे हॉकी को भी हटा दें, अगर हम गिली डंडा, सिर्फ कुर्सी से नीचे गिर सकते थे, कितना आगे जा सकते थे? इससे आगे नहीं जा सकते आप। नहीं वैसे मैं यकीन जाने YouTube, मैंने रात को, मैं यहाँ जब मुझे पता था कि एनजी भाई शो में, मैंने YouTube पे सारे मैच देखे। सारे कैसे देख सकते हैं आप एक दिन में? पता नहीं कि सुन ले बस आप। लेकिन अच्छा। कायम साहब मैं आपसे कहूंगी कि जिंदगी में आगे इतना मिठड़ी जी मिठड़ी पूछे क्या पूछते हैं? यू वेलकम। अच्छा मीरा जी एक बात तो बताएं, हमने आपके बारे में सुना है, हमने सुना है, हमारे सोर्सेज ने बताया कि आप जो कुछ भी करती हैं आप या तो जानबूझ के करती हैं, पब्लिसिटी स्टंट होता है। फिर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ में तो नमक मिर्च मसालों के डब्बे ही रखते हैं। पता नहीं इन लोगों को एंकर कौन बना देता है। इनकी तालीम बनाती है। एग्जैक्टली थैंक यू जी। जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। बैचलर्स किया हुआ मैंने इंग्लिश लिटरेचर में, समझ आई आपको? मैंने भी मास्टर किया हुआ है लेकिन वो अब दर्जी का काम छोड़ चुका है। अच्छा मीरा जी वैसे ये आप पब्लिसिटी स्टंट के बारे में क्या कहेंगे? देखो मैं जिसको भी देख लूँ ना 5 मिनट में उसका एक्सरे कर लेता। अच्छा स्कैनर्स लगाए हुए हैं क्या? अच्छा, बाहर के लोगों की मेंटालिटी क्या है, पाकिस्तान शेखोपुरा के लोगों की, एक आम बेचने वाले की भी मेंटालिटी क्या है, ये मीरा आपको पता है? इनका बताए ना, ये क्या सोच रहे हैं? इनकी क्या मेंटालिटी है? इनका तो मेंटालिटी अब है ही नहीं, एक्सपायर हो गया। एक अलाउ मी टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, ये आप हर जगह जब भी देखा है काले चश्मे लगा के क्यों आती है? ताकि मैं आप तरह के लोगों की जहरीली शुआओं से बच सकूं। आपने मुझे सांप से जहर भरवाते देख लिया है, ये सही बात है। सांप आपसे जहर भरवा के जरूर जाते होंगे। भाई देखें मैं एक बात सोची थी लेकिन अभी मेरे दिल से उतर चुकी है जी। आपने क्या सोचा था? इन्होंने जो सोचा था वो स्क्रिप्ट पे था, ये लेट गए, स्क्रिप्ट नजर नहीं आ रहा। आपको मैंने अगली मूवी में लेना था, अब आप कट ऑफ हैं, आप होंगी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिंदगी बर्बाद नहीं करनी क्या? जिंदगी बर्बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है। नहीं आलिया इंटरेस्टेड नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारे करियर अभी शुरू होने लगे हैं। माशाल्लाह मैं क्रिकेट में ठीक हूँ भाई। माशाल्लाह ये जर्क बर्क शर्टें कहाँ से लेके आते हैं इरफान? हर तरह के कलर पहनना चाहिए। अच्छा अपने अपने करियर का आगाज कब किया था? हो गया कुछ 6-7 साल। वाह 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 माशाल्लाह, देखो यार इतने दूर आ गए हम आज माशाल्लाह। मैं ये यकीन बात बताऊं कि सियासत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने सियासत को क्या दिया है? सवाल ये है क्या दिया है सारे पाकिस्तान को पता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई। अच्छा दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, जो आप बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाय 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 जी, मैं आपको कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत लव यू फॉर दिस।
आई थिंक हम अब क्रिकेट पे बात कर ले। जरूर जरूर, क्रिकेट तो बिल्कुल, क्रिकेट पे ही, फीफा पे भी करें उसमें भी हम आपको बुलाएंगे। लेकिन आज की ट्रांसमिशन इलेक्शन की जो है बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। इलेक्शन की नहीं हो रही, एक तो आप लाइव है और PSL के मैचेस हो रहे हैं उस पे ट्रांसमिशन चल रही है। घोड़ा रहे, घोड़ा रहे, मुझे पता है नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, कौन आ रहे, घोड़ा रहे, यानी कि हो ये क्या हो गया मुसीबत। मेरे ख्याल क्रिकेट PSL पे ही बात करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं। आलिया आपसे जानना चाहेंगे, जब अबरार अहमद की हम बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेटर हैं लेकिन बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं और साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि PSL में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और जब हम टॉप बॉलर्स की बात करते हैं तो थर्ड पे उनका नंबर आता है। और अगर फिर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो हमारे पास स्पिनर्स की वैसे ही कमी है, पाकिस्तान के लिए कितनी खुशाइंद बात है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पहले भी बात की है, जितनी ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलेंगे उतने ही बॉलर्स, आपने मोहम्मद अली को भी देखे, अब्बास को भी देखे, उसामा को भी देखे, और तीनों ही बॉलर्स जो हैं वो टॉप फाइव में उनका नाम है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पिनर्स काफ़ी टाइम से जो है वो आगे नज़र नहीं आ रहे उस तरह से, स्पिनर्स अभी तक कोई आया नहीं, नवाज़ हैं वही खेली जा रहे हैं या इमाद थे पहले। तो मेरे ख्याल से इमर्जिंग की बात करूंगी, उन्होंने कराची ने उस दिन अराफात को खिलाया था, उसकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी, और मेरे ख्याल से उसको कराची को जो है उसको यूज करना चाहिए था पहले मैचेस में, किसी में उसको चांस देते, उसको देखते, मे बी वो उनको अच्छा करके देता, क्योंकि उन्होंने जब लास्ट मैच में उसको खिलाया तो उसकी बॉलिंग भी नजर आई है और खुशी भी हुई है उसको देख के। मेहरान मुमताज हैं जलमी के, उनको देख के बहुत खुशी हो रही है, बाबर ने बड़े अच्छे टाइम पे उसको यूज किया है, इसीलिए उनकी टीम जो है वो बेहतर शेप में नजर आई है। पहले उनका जो है बॉलर जो है बॉलिंग साइड जो है वो वीकर लिंक बना हुआ था, मेहरान के आने से इतना फर्क पड़ गया, तो एक स्पिनर्स के आने से काफी फर्क पड़ जाता है। और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है कि इस तरह के स्पिनर्स जैसे उसामा मीर हैं या अब्रार हैं, मेहरान हैं, अराफात हैं, इस तरह के स्पिनर्स जो हैं वो आगे देखने में आ रहे हैं PSL से, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये काफ़ी बड़ा गैप था स्पिनर के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट में, तो बड़ी खुशाइन बात है। इस पे आके हम मज़ार भाई से भी बात करेंगे, अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके इंजी भाई से एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। स्टे विद अस। एंड यू आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। You are watching Sports on PSL Edition. इजहार हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम टॉप फाइव बॉलर्स की बात करते हैं उनमें से कोई आपका फेवरेट है या कौन आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, या उसके अलावा भी अगर कोई आप किसी की परफॉर्मेंस ने आपको इम्प्रेस किया तो आप बता सकते हैं। डेफिनेटली उसामा मीर हैज़ टू बी द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट। 21 विकेट लिए 10 मैचेस में, और उन्होंने जितना किसी भी बॉलर के लिए, किसी भी यंग प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने उनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, आया वो उसी तरह स्टैग्नेंट हो गए एक स्टेज पे आ गए या वो इम्प्रूव करें या उनकी गेम में नजली आ रही है। तो हमें इस सीजन में बड़ी बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, और उन्होंने फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं, राइट लेंथ पे बॉल पिच कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और क्रेडिट मैं कहता हूँ यहाँ पे रिजवान को भी जाता है और मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को भी जाता है कि उन्होंने उन्हें बैक किया है, उनकी कॉन्फिडेंस दी। अगर उन्हें किसी एक आधे मैच में या किसी एक फेज़ में कोई ज़्यादा मार भी पड़ी है तो उन्होंने उस वक्त भी उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि आप कोशिश करें कि विकेट्स लें, और जब कोई बॉलर विकेट्स लेने की कोशिश कर रहा होता है इट मींस ही इज इन द राइट रिदम एंड मोमेंटम। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले कहा था कि आज इंजी भाई से हम एक वाक्य सुनेंगे जो शायद पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है। क्रिकेट में इंजी भाई जब आपसे आते हैं उधर डाउन भी आते हैं, ऑड्स भी आते हैं। पाकिस्तान इंडिया का सहारा कप में मैच और कनाडा में खेला जा रहा है, बहुत से फैन ने हमसे कहा कि आपसे जरूर ये जाना चाहिए, शायद पहले आपने कभी शायद इस तरह बताया नहीं। वो क्या मोमेंट आई कि फैन ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने पहले पटाई की और फिर हमारे एक क्रिकेटर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मोहम्मद हुसैन साहब, उन्होंने आपको बैट दे दिया, फिर आपने बैट से ही धुलाई कर दी। आज आप प्लीज वो शेयर कर दे तो जबरदस्त हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मैंने धुलाई नहीं की थी वो इसलिए कि मैंने सिर्फ बैट उठाया था, उसको लगा नहीं और मैं उस तक पहुंच नहीं सका, तो फिर भी मुझे जेल जाना पड़ा था। अगर कहीं उसको बैट लग जाता वहाँ हो जाता तो फिर मेरे ख्याल में मुझे जेल काटनी भी पड़नी थी। सो वो असल में ना फैमिली के मुतल्लिक ना कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था तो उस पर अच्छा मोहम्मद हुसैन पानी देने आया ना जिस टाइम, अच्छा तो उसने उस आइडिया उसका था, अल्लाह उसके दर्जा मेरे से कहता है इंजी भाई मैं ना वहाँ से ना पानी लेके ना उसके साथ बैट लेके वहाँ आऊँगा, आपने इधर से आना है जी, तो बस फिर हम दोनों पकड़ लेंगे। आपने इधर से आने पर दोनों पकड़ लिया। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं फर्स्ट लिम में फील्डिंग कर रहा था, जिस तरह ओवर ख़त्म हुआ तो मैं उस तरफ है ना चला गया उस एंड पे, जाके मैंने बैट वगैरह लिया
उसको मारने आते ना तो मुझे पीछे से पकड़ लिया, लगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा आपका इंटेंट था मारने का, जिसपे मुझे केस बना था मेरे पे जी। तो वहाँ फिर है ना वो पुलिस आ गई थी होटल, वो मुझे लेके गई थी पुलिस की गाड़ी में बिठा के, और उन्होंने मुझे ना लॉकअप में वो किया था, लॉकअप लॉक नहीं लगाया था उनकी मेरे, वैसे उन्होंने मुझे कॉफी शॉफी पिलाई सारी चीजें, उनको लगा कि ये कोई आदि मुजरिम नहीं है। फिर मुझे ना कोर्ट में पेश किया, जज के सामने वकील था, फिर उसने बेल दी है, तो फिर ना कहीं जाओ। अच्छा, तुमने सुना था कि सचिन तेंदुलकर का भी काफी रोल था सारी सेटलमेंट में? नहीं, वो सचिन ने भी और दूसरे प्लेयर्स ने भी ना उससे जाके किया था कि जी इस चीज को ना करे, तो वो नहीं मानना था इस चीज पे। अच्छा, हाँ, सारों ने कोशिश की थी, अगर वो पहले बात अगर सेटल हो जाती तो फिर मुझे इधर ना जाना पड़ता, तो वो सेटल नहीं हुई तो फिर मैं कोर्ट के थ्रू है ना फिर मैंने बेल ली थी। और वहाँ के जो उस टाइम हमारे एम्बेसडर थे तो उन्होंने बड़ा लुक आफ्टर किया था हमारा, क्योंकि जी बहुत ज्यादा ख्याल किया और सारी उनकी सपोर्ट थी हमारे साथ। तो टफ टाइम था लेकिन बड़ा एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए कि मैं होटल में ऐसे कमरे में था कि अगर मेरा नीचे रजिस्टर्ड में वो जो रूम होता है रेगुलर, क्योंकि जी 541 था, तो पता चलता था मैं ठहरा हुआ 369 में हूँ, आगे पुलिस आए तो पता ना चलेगा मैं कौन से रूम में हूँ। तो इस तरह भी दो दिन रहा, तो फिर जाके सारी जिसम चीज़ें सेटल हुई तो फिर मैं गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस तो वैसे तो मेरे लिए था कि मैंने ये सारी चीजें देखी, लेकिन मेरे ये ख्याल में इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की भी चीज हो तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। अभी रिसेंट एक इंसिडेंट मोहम्मद आमिर का भी फैन के साथ हुआ, उन्होंने कुछ आवाजें कसी और उन्होंने रिएक्ट किया, बट ये मेरा ख्याल है दोनों पार्ट पे बड़ा जरूरी है कि ये जरा थोड़ा सा ना प्लेयर्स को थोड़ा सा प्लेयर्स की साइकी को ना अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिस टाइम हम खेल रहे होते हैं ना, तो आलिया को थोड़ा सा एहसास होगा, वो हीट ऑफ द मोमेंट होती है कि आप है ना बहुत ज्यादा हीट अप होते हो उस टाइम खेल रहे होते हो ना जी, तो उस टाइम थोड़ी सी भी बात है ना आपको ज्यादा लगती है जी, तो लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते, लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी एक नॉर्मल इंसान की तरह है ना इसको, क्योंकि जी ये वाली चीज हुई थी इस तरह जी, आप है ना वहाँ किसी और मूड में होते हो, हाँ जी, आपका बॉडी टेम्परेचर है ना उस टाइम कुछ डिफरेंट होता है, बिल्कुल आप है ना उस टाइम नॉर्मल इंसान नहीं होते। फुटबॉल को जिस टाइम देखते हैं ना फुटबॉलर्स को, ये जो उनसे कोचेज हैं सारे बाहर की जिस टाइम लीग होती है, ये फुटबॉलर्स को देखते ये देखते हैं कि इनका थोड़ा सा हाइपर ना हो ना ये, तो ये फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो ये आप जिस टाइम तक फास्ट बॉलर्स को क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर जिस टाइम थोड़ा सा यहाँ से क्रैक ना हो तो फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो कुछ चीजों की ना कुछ रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि वैसे सचमुच, लेकिन थोड़ी सी तरह गर्म मिजाज। शेर भाई कहते थे कि मुझे घंटा लगता था 2 घंटे नॉर्मलाइज होने में, खैर ये तो उसने गलत बात तो वैसे जहाँ से ना ये थोड़ा सा ये उसकी फील, तो जिस टाइम आप ग्राउंड में होते हैं ना तो आप हीट अप होते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होता है, आपका डिफरेंट माइंड होता है जी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो, और आई थिंक फैंस के पार्ट पर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये लोग हमारे स्टार्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग देना इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनली हमारा इमेज बहुत पॉजिटिव जाता है। और जो दूसरे कंट्री के अगर आप किसी और कंट्री के अंदर गए हैं तो उनका भी लुक आफ्टर करना, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, उनकी फैमिली का, यस। और मैं इरफान साहब एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, सना जावेद की वीडियो जब वो गुजर रही है, तो फैंस का बड़ा ही वियर्ड किस्म का रिएक्शन था और वो अजीब किस्म के नारे कस रहे थे और बातें कर रहे थे या जुमले कस रहे थे, that's the appropriate way of saying it. मुझे personally वो वीडियो बहुत बुरी लगी और मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने वो देखा, और मैंने ये देखा कि सना जावेद इतनी gracefully उन लोगों को ignore करते हुए वहाँ से गुजर गई। तो जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करते हैं और इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के रिमार्क्स पास करते हैं तो फिर आप किसी किस्म का भी रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, चाहे कोई सेलिब्रिटी है चाहे कोई आम इंसान भी है, देखिए आपका हक नहीं बनता कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करें, अगर आप इंटरवीन करते भी हैं और इतने इस हद तक जाते हैं तो फिर आप किसी भी रिएक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि एथिक्स और मोरालिटी जो है ना वो आप किसी स्टेज पे नहीं छोड़ सकते, और एथिक्स तो सबके लिए इक्वल है, और आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी सेक्स से हैं, और बेसिक प्रिंसिपल जो सबसे पहले आपको है वो ह्यूमैनिटी सिखाता है, बिल्कुल, तो उसका ये सबसे इंटीग्रल पार्ट है कि आपने एथिक्स के अंदर रहना है। और ये जो फैंस आते हैं, ये आपके हीरोज हैं, इन्हीं को देखने के लिए आप आते हैं, इनको कुछ कहते हैं तो ऑब्वियसली
आपका रिस्पेक्ट करना बनता है। इसी के साथ अभी इजाजत चाहते जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।